नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आज मैं आपको वो टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसमें कि बिना अफर्मेशन के, विजुअलाइजेशन किए, मेडिटेशन किए, विजन बोर्ड का हेडेक लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चलते फिरते, घूमते हुए, अपने सारे काम करते हुए यूज़ कर सकते हैं। और तो और ये वही टेक्निक है जिसको कि बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, टॉप के बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। मॉन्क्स इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। ये आपके लाइफस्टाइल का पार्ट होगा। आप में से बहुत सारे लोग कहना चाहेंगे मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई मैनिफेस्ट नहीं करना चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा माइंड हमेशा मैनिफेस्ट करता रहता है, और जिस तरह से एक धरती, अगर उसमें आप कुछ अच्छे बीज नहीं डालेंगे तो खरपतवार निकल आएंगे, जंगल झाड़ी उगाएंगी, उसी तरह से आपका माइंड भी अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन नहीं करेंगे तो ये नेगेटिव मैनिफेस्ट करके आपके लिए एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, डिफॉर्मिटी, बीमारियाँ, ये सारी चीज़ें पैदा कर सकता है। इसलिए इन सारी टेक्निक्स को ध्यान से समझिए और इनको यूज़ करना शुरू करिए। ये टेक्निक्स इतनी सिंपल हैं कि बहुत सारे लोग डाउट कर सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो चीज़ सिंपल होती है वही बार बार रिपीट की जा सकती है, और उसी में सबसे ज्यादा पावर होता है। सिंपलेस्ट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑन दिस प्लेनेट। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, थिंक अबाउट योर गोल। हम इसे बहुत सारे लोग कुछ क्रिएट तो करना चाहते हैं लेकिन दिन भर उसके बारे में सोचते नहीं है। साइकोलॉजी का रिसर्च ये कहता है कि जो भी टॉप गोल सीकर्स हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो या फिर मॉन्क्स हो, वो अपने गोल के बारे में दिन में एक बहुत बड़ा हिस्सा सोचते हैं और अपने ब्रेन से ये क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह से मैं अपने गोल को हासिल कर सकता हूँ, ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा, और कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो कि लेना छोड़ना पड़ेगा, क्या हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी। और इसके कारण उनका ब्रेन फोकस करता है उन रिसोर्सेज पे जिसके सहारे की इस मंजिल को पाया जा सके। तो आप भी अपने गोल के बारे में जब भी आपको टाइम मिले, घूमते फिरते, बाथरूम जाते हुए, कुछ किताबें पढ़ते हुए, गोल के बारे में सोचना शुरू करें। आप ये सोचें कि जिन लोगों ने इसे अचीव किया है उन लोगों ने आखिर कैसे किया है, अगर मुझे अचीव करना है तो मैं आखिर इसे कैसे अचीव कर सकता हूँ, मुझे क्या हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी। दूसरा पॉइंट है हमारे इमोशंस। दोस्तों, अगर आपने गोल सेट कर लिया, सही थॉट जनरेट कर लिया, तो आपने एक बड़ा हिस्सा जीत लिया है। आपने कार तो बना ली है लेकिन अभी इसमें फ्यूल भरा जाना बाकी है। अगर आप इसमें गंदी मिट्टी डाल देंगे या नाले का पानी डाल देंगे तो कार आपको कहीं नहीं ले जा सकता, और इसकी जो फ्यूल है वो फ्यूल है आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपकी भावनाएं। हम कई बार ऐसा विचार तो क्रिएट कर लेते हैं लेकिन हमारे अंदर कोई पॉजिटिविटी की फीलिंग नहीं आती, और याद रखना, शक्ति है तो पॉजिटिविटी में। अगर आपके अंदर सकारात्मक फीलिंग क्रिएट करने की क्षमता है, जैसे ग्रैटिट्यूड की, प्रेम की, दया की, कॉम्पैशन की, तो आपका रॉकेट या आपका कार बहुत दूर तक जाएगा और आपकी किसी भी मंजिल को जनरेट कर सकता है। जो लोग अपने लाइफ में स्पॉन्टेनियस मैनिफेस्टर्स हैं, मैंने उनको देखा कि उनका हार्ट ओपन है, उनका बिलीफ सिस्टम तो अच्छा है ही, इसके साथ साथ वो अपने गोल के लिए पॉजिटिव फील करते हैं। जब उनके लक्ष्य की बात उनके साथ करो तो उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, उनका बॉडी, उनका पर्सनालिटी एक कमल के फूल की तरह खिलने लगता है। अगर आपको ऐसा महसूस नहीं होता है तो आप हार्ट मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आप पॉजिटिव फील करने की कोशिश करें, उन जगहों पे जाएं जो कि आपको अच्छा फील कराते हैं, आप उन बुक्स को पढ़ें या उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें जिससे कि आपको अच्छा फील होता है। आप ग्रेटिट्यूड की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने इमोशनल सेंटर को मजबूत कर सकते हैं और इस इक्वेशन को, थॉट प्लस इमोशन को, कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट में हमने बात की थॉट की, मतलब कि माइंड की। सेकंड में हमने बात की इमोशंस की या अपने हार्ट की, और थर्ड में हम माइंड के एक हिस्से की बात करेंगे और वो है हमारा स्पीच। क्या हम अपने गोल के बारे में बोलते हैं? क्या हम अपने गोल के बारे में बातें करते हैं? क्या हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं या हमारे पास कुछ ऐसा टाइम है जिस समय कि हम अपने गोल के बारे में चर्चा करते हैं, हमने अपने गोल को कहाँ तक पहुँचाया इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं? दोस्तों, रिसर्च ये करता है कि जब भी आप कुछ बोलते हैं तो आपके ब्रेन का ब्रोकाज सेंटर, जो कि स्पीच का सेंटर है, ये एक्टिवेट हो जाता है। और जब ब्रोकाज सेंटर एक्टिवेट होता है ना, तो आपका ब्रेन और आपका हार्ट दोनों यूनाइट हो जाते हैं, दोनों ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए इस बात की कोशिश करें कि जब भी आप अपने गोल के लिए कुछ बोलें तो आप पॉजिटिव बोलें।
हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कुछ मैनिफेस्टो करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ उनके गोल के बारे में बातें करो, अरे मेरी किस्मत कहाँ, मैं ऐसा कहाँ कर सकता हूँ, मैं इस लायक कहाँ हूँ। नहीं, आप अपने गोल के बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू करें। आप एफर्मेशंस के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए सक्षम हूँ, मेरे अंदर अथाह शक्तियाँ हैं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, अगर किसी और ने भी ऐसा किया है तो मेरे अंदर भी वो शक्तियाँ हैं कि मैं उस मुकाम को हासिल कर सकता हूँ। और जब इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने स्पीच को भी ट्रेन करेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और शक्तिशाली रूप में आप यूज़ करना शुरू कर देंगे। नंबर 4, वॉच योर गोल एज रियलिटी। अपने गोल को देखना शुरू करें। अब आप कहेंगे पीयू अभी तक तो तुम ट्रैक पे थे, लेकिन अभी तुमने अपने माइंड को बिल्कुल लूज कर दिया। जो चीज़ हुई ही नहीं है, जो मुझे मैनिफेस्ट करना है, उसको मैं देख कैसे सकता हूँ? यही तो कैच है। आपके पास दो आँखें हैं, एक आँखें हैं जो कि बाहर देखती हैं, लेकिन दूसरी आँख मन की आँख भी है। आप अपने गोल को इमेजिन करें कि आपने अगर अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है तो वो समय कैसा होगा, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि खुश होंगे, आपकी लाइफ कैसे चेंज कर जाएगी, आपके रिश्तों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी दिनचर्या कैसी होगी। इस बात को अपने मन की आंखों से देखना शुरू करें। और साइंस का रिसर्च ये कहता है कि आपका मन इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं जानता है। अगर आप उसको बार बार वो सीन दिखाएंगे तो आपके ब्रेन को ये लगेगा कि रियलिटी है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वो रियलिटी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और काम आप कर सकते हैं, आप कोई विजन बोर्ड बना सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो, ये ऑप्शनल है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी गोल कैसी है। आप अपने गोल की एक तस्वीर बना सकते हैं कि जब आपने मैनिफेस्ट कर लिया तो उसकी तस्वीर कैसी होगी। उसके अलावा एक और काम आपको करना है कि जब भी आपको टाइम मिले, दिन में कोई खास टाइम अलॉट नहीं करना है, उस समय आप अपने गोल को लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका है जबकि आप अपने गोल को मैनिफेस्ट हुआ हुआ देख सकते हैं। जैसे कि मुझे जब मैनिफेस्ट करनी होती है तो मैं एक लेटर लिखता हूँ, वर्चुअल लेटर, कि हाय सैंडी, ऐसा ऐसा, मैंने इस गोल को अचीव कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने इतनी मेहनत की थी लेकिन आज मुझे सच में बहुत बढ़िया फील हो रहा है। और इस तरह से मेरे अंदर फीलिंग भी आ जाती है, मैं अपने आइज़ को भी इन्वॉल्व करता हूँ, मैं अपने स्पीच को भी इन्वॉल्व करता हूँ जब मैं मेंटली डिसाइड करता हूँ, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अपनी पूरी बॉडी का, पूरी तंत्रिका तंत्र का इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ पॉजिटिविटी। दोस्तों, इन्वायरमेंट का रिसर्च ये कहता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को पहले बनाते हैं और उसके बाद हमारा इन्वायरमेंट हमारे पैसे को, हमारे रिश्ते को, हमारे गोल को, हमारे हेल्थ को, हर चीज़ को बनाता है, उसका निर्माण करता है। इसलिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखिए कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है। हमारा ब्रेन एक स्पंज की तरह है, कि मैं नहीं कह रहा, न्यूरोप्लास्टिसिटी का रिसर्च कहता है। पहले रिसर्च ये कहता था कि हमारे ब्रेन के सेल्स फिक्स हैं, अगर कोई बीमार पर्सनैलिटी का है तो बीमार ही रहेगा, अगर कोई गरीब पर्सनैलिटी का है तो उसकी पर्सनैलिटी हमेशा गरीब ही रहेगी। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है कि नहीं, हमारा ब्रेन एक प्लास्टिक की तरह है, मेटल की तरह नहीं है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। अगर किसी की पर्सनैलिटी गरीब आदमी की है तो उसको अमीर आदमी की बनाई जा सकती है, उसको चेंज किया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है। तो आप इसी का यूज कर सकते हैं, और इसका सबसे आसान तरीका है आपके एनवायरनमेंट को चेंज करना। जिम रोन ये कहते थे कि तुम कितना कमाओगे या तुम कौन हो, अगर मुझे इसका परिचय चाहिए तो तुम मुझे अपने 3 दोस्त के बारे में बता दो। तो इसलिए आप अपने दोस्तों का चयन अच्छे से करें। हम कोई गोल तो बड़ा सेट कर लेते हैं, लेकिन हमारे दोस्त या जिन परिवेश में हम रहते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो कि लेग पुलर्स हैं, जो कि हमें डिमोरलाइज करना चाहते हैं, जो कि हमें डाउन करना चाहते हैं, जो कि अच्छाई हो उसमें भी कुछ बुराई ढूंढ लेते हैं। जिनको अगर कहो कि ये तो आज दिन है, दिन देखो सूरज कितना खिल रहा है, तो कहेंगे सूरज उगा तो है लेकिन इसमें भी कुछ थोड़ी चमक में प्रॉब्लम है। तो हमें इस तरह के नेसेयर्स, लेग पुलर्स, इन सब से बचना है। कुछ ऐसे लोगों के साथ जरूर जुड़ना है, अगर हम उनको दोस्त नहीं बना सकते तो उनको मेंटर बना सकते हैं, उनकी वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं जिसके सहारे कि हम अपने अंदर के वातावरण को सकारात्मक रखें। अब आप कहेंगे सकारात्मक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे आपने ग्राउंड को देख लिया, पत्थर के ऊपर कोई भी बीज नहीं जमेगी। अगर बीज को जन्म देना है, अंकुरित कराना है, तो उसके लिए वैसा वातावरण तैयार होगा। उसी तरह से आपके जो विचार हैं वो सीड की तरह काम करते हैं, ये तभी जागृत होंगे जब आप उसे अच्छा वातावरण देंगे।
इसलिए अपने वातावरण पे काम करें। इस पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सिर्फ वातावरण को चेंज करके आप अपनी लाइफ को 180 डिग्री चेंज कर सकते हैं। इसलिए अपने आसपास कुछ अच्छे पोस्टर्स रखें, कुछ अच्छे दोस्त बनाएं, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें और कुछ तो कुछ ऐसे एक्शन करें जो कि आपको सकारात्मक महसूस कराते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक पॉजिटिव एक्शन। अब यहाँ पे एक्शन का क्या तात्पर्य है? जब मैंने सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व किया जिनके लिए कि मैनिफेस्टेशन काम करती है, तो वो एज इफ रूल का यूज़ करते हैं। अगर मान लो उन्हें अपनी बॉडी अच्छी बनानी है या एक कार मैनिफेस्ट करना है या कोई घर मैनिफेस्ट करना है, तो वो ऐसा सोचते हैं, मान लो मैंने इसको मैनिफेस्ट कर लिया, उसके बाद मैं कैसा फील करूंगा, उसके बाद मैं क्या एक्शंस लूंगा, किस तरह से मेरे चलने का ढंग बदलेगा, किस तरह से मेरे सोचने का तरीका बदलेगा, किस तरह से मैं अपनी एनर्जी को चेंज कर पाऊंगा, अपने काम को चेंज कर पाऊंगा। और इस तरह से दोस्तों वो अपने वाइब्रेशन को चेंज करते हैं। साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का रिसर्च ये कहता है कि जब आप एज इफ रूल का यूज करते हैं, उस समय आपका ब्रेन पूरी तरह से आपके गोल के लिए सक्रिय हो जाता है और आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। और इस दुनिया में आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपकी वाइब्रेशन के कारण हो रहा है। तो इसलिए दिन में 8-10 बार खुद से ये सवाल जरूर पूछें कि अगर मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया तो मैं किस तरह से चलूंगा, मेरे बोलने का तरीका कैसा होगा, मेरे काम करने का तरीका कैसा होगा, मेरी एनर्जी कैसी रहेगी, मेरी ऊर्जा कैसी रहेगी। और दोस्तों जब इस तरह से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि चलते फिरते आप दिन के कार्यकलाप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने अंदर इम्बेड कर रहे हैं। आपको किसी खास टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक कॉन्शियस मैनिफेस्टर की तरह आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करना छोड़ के आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना अपनी लाइफ में शुरू कर देंगे। दोस्तों इस वीडियो को मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से और काफ़ी मेहनत से बनाया है। अगर आप इसकी सराहना करना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा कमेंट लिखकर मुझे डालें, इससे मैं और वीडियोस बनाऊंगा और ज़्यादा एनर्जी डालकर मुझे ये आपकी ये कमेंट इंस्पायर करेगी। दोस्तों और तो और मैंने एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसका कि लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट में पिन करके भी डाल दूंगा, आप वहां पे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फ्री और पेड कोर्स मेडिटेशन, लाइफ मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट के बारे में आने वाली हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।